नाहन शहर में नगर परिषद को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने शनिवार को वार्ड 2 में अपना कार्यालय खोल दिया है। कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश महासचिव व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर ने संयुक्त रूप से किया। बता दें, कांग्रेस ने नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा चुनाव की तिथि से एक माह पहले ही घोषित कर दी थी, जिसको लेकर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी को तलाशना शुरू कर दिया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इन नगर पालिका चुनाव में उतरने वाली है। सोलंकी ने कहा कि नप पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब नाहन शहर में आम लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे, तब भाजपा समर्थित पार्षद चुप्पी साधे हुए थे। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और सारे वार्डों में जीत दर्ज करने का पूरा प्रयास करेगी। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर पूर्व चुनावों में प्रत्याशियों की सूची घोषित करने के आरोप लगते रहे थे, जिस पर कार्य करते हुए इस बार नाहन नप में तमाम पार्षद प्रत्याशियों के नामों की सूची पूरे प्रदेश में सबसे पहले घोषित कर दी थी। विश्वास है इस बार जो है नाहन नगर परिषद पे जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना परचम लहराएगी और कई मुद्दों के लेके जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी। पिछले नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर और इसके अलावा जो पिछले दिनों नाहन शहर में जिस तरह से लोगों के गरीब लोगों के आशाने ढाए गए, उसे प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। और पिछली कमेटी ने जिस तरह से जो वायदे लेके लोगों के बीच में गए थे, उस पर वो कहीं भी खरा नहीं उतरे। और आए दिन जो है हमारे स्थानीय विधायक छोटे छोटे मुद्दों को लेके जो है उद्घाटन करते जा रहे हैं, इससे जो है जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अक्सर ये लांछन लगाया जाता था कि अपनी जो प्रत्याशी की जो लिस्ट है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो, वो बहुत देर में निकालते हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले निकाल देती है। मुझे खुशी है कि नाहन कांग्रेस ने हिमाचल में सबसे पहले जो कांग्रेस की कैंडिडेट्स थे उनकी सबकी लिस्ट सबसे पहले निकाली। बाकी जगह अभी तक लिस्टें फाइनल नहीं हुई है, आपकी बीजेपी की भी जो है यहाँ वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। हाँ, नाम हवा में बेशक उछाले जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसी कार्यक्रम को देखते हुए आज वार्ड नंबर 2 में सबसे पहला जो कार्यालय खुला है वो जो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रत्याशी हैं नरेंद्र जी, उन्होंने इसका शेयर इनको जाता है। और मुझे लोगों से दरखास्त करनी है क्योंकि इनकी हार या जीत का फैसला आपके हाथों में है, आपके वार्ड के जो आम आदमी हैं उनके हाथ में है। तो मैं दरखास्त करूंगा कि जहां भी कांग्रेस प्रत्याशी हमारे खड़े हैं उनको आपके बहुत आशीर्वाद की जरूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी किस्म के झांसे में ना आकर किसी भी किस्म की जो बात अभी यहां सोलंकी जी ने और रुपेंद्र जी ने रखी है उसको समझते हुए आप कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से अवश्य ही कामयाब करेंगे। नाहन से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।